हेलो गाइस, दिस इज अमित शर्मा और आप देख रहे हैं कंप्लीट HTML इन वन वीडियो। फ्रेंड, एक वीडियो के अंदर सारे टैग को हम प्रैक्टिकली डिफाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते। तो ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और इसको मैं H2 कर देता हूँ, H3, H4, H5, H6। यहाँ पे जैसे CSS के लिए हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं, ये CSS के लिए यूज़ करते हैं, और स्क्रिप्ट के लिए जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग आप इस टैग के अंदर लिखते हैं, और स्टाइल टैग आप हेड सेक्शन और बॉडी दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक BR टैग लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। बोल्ड टैग फॉन्ट क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। लोरियम डमी टेक्स्ट के लिए, ये पैराग्राफ में हमने लिखा डमी टेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग टैग जहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट आ रहा है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम स्ट्रॉन्ग टैग। अंडरलाइन मार्क टैग का यो रोल है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद है स्मॉल टैग, मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट क्या है, इनका पावर 21 लिखते हैं, 21 आपको दिखेगा, H2 ओ। तो ये टू जो है इसको सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे ताकि ये टेक्स्ट नीचे नजर आए। EM टैग इम्फेसाइज्ड टेक्स्ट भी कहते हैं, फॉन्ट के लिए हम यूज करते हैं इम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा डेल। डेल डिलीट के लिए यूज करते हैं INS इंसर्टेड। हम टेबल लेंगे, टेबल, और टेबल के अंदर हम टेबल टैग लेते हैं। टेबल के अंदर टी एच में हम लेंगे नेम, फिर दूसरा टी एच, ईमेल, जॉब, फिर अगेन टी एच। टी एच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। ओके, उसके बाद हम एक टी आर लेंगे, टी आर हो गया टेबल रो। फ्रेंड, जितना हेडिंग होगा उतना ही टेबल के अंदर डेटा भी लेंगे, तो टेबल रो के बाद TD यानी टेबल डेटा, संजय, देन ईमेल sanjay@gmail.com, इसकी सैलरी लेंगे दूसरे TD में, जॉब SEO, और फिर सैलरी 18,000। तो ये हो गया एक टेबल, इसको आप रन कराएंगे तो इस तरह से ये टेबल क्रिएट होगा। ओके, इसमें हम बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल। दूसरा रो क्रिएट करेंगे TR, अच्छा ये कैप्स हम यूज नहीं करेंगे बट एज ए प्रोफेशनल हमें स्मॉल ही लेना चाहिए। मनीष, फिर दूसरा TD लेंगे manish@gmail.com, TD डेवलपर, और सैलरी इसकी 25,000। दूसरा फिर हम TR लेंगे, और इस TR के अंदर TD अपूर्वा, td@gmail.com, TD वेब डिज़ाइनर, TD, और इसकी सैलरी 13,000। तो ये आपका टेबल बन गया। अब इसमें देखिए डबल आ रहा है ये लाइन, हम इसको हटा देते हैं। तो सेल स्पेसिंग 0। फ्रेम टैग, फ्रेम टैग हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी थर्ड पार्टी जैसे गूगल मैप, यूट्यूब का वीडियो यूज़ करना हो वेबसाइट में, उस कंडीशन में हम iframe टैग यूज़ करते हैं। या अगर हम देखिए एक वेबसाइट NDTV की मैं साइट ले लेता हूँ,
और इस साइट को मैं कॉपी करता हूँ, और अगर आई फ्रेम टैग के अंदर हम ओपन करें तो देखिए पूरी वेबसाइट इस आई फ्रेम टैग में ओपन हो जाएगी। इसकी अगर हम विड्थ बढ़ा दें, विड्थ हमने कर दिया 800 और हाइट 400, तो इस आई फ्रेम टैग के अंदर NDTV की वेब। अगर आपको कोई YouTube की वीडियो मुझे अगर यूज़ करना हो तो यहाँ पे देखिए शेयर बटन आ रहा है, शेयर पे आप क्लिक करेंगे और एम्बेड कोड, इस कोड को कॉपी करेंगे। तो ये अगर कॉपी कर लेते हैं और इसको एज इट इज़ हम पेस्ट कर देंगे तो देखिए YouTube का वीडियो भी आ जाएगा। अगर आप कोई Google का मैप करना चाहते हैं और यहाँ पे मैप का शेयर का ऑप्शन आ रहा है शेयर, तो इस मैप को एम्बेड मैप, इसका भी HTML का हम कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। डिवीज़न टैग डिव वर्सेस स्पैन डिजिटल डैश, दूसरे डिब में अगर हम मार्केटिंग ले लें तो आप इसको रन कराएंगे और इस BR टैग के नीचे हम स्पैन टैग यूज़ करेंगे। स्पैन टैग के अंदर हम अगर हम यूज़ कर तो ये क्या आ रहा है, डिजिटल और मार्केटिंग अलग अलग रो में आ रहा, बट अगर हम स्पैन टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा एक ही लाइन में आ रहा। हम इस CSS के साथ इसको प्रैक्टिकली करते हैं। स्टाइल ले लेते हैं हम और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर ले लेते हैं, कलर वाइट, ओके। यही चीज़ें मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और ग्रीन के जगह हम ब्लू करते हैं, और स्पैन टैग की बात करें यहाँ भी हम कलर ले लेते हैं, पर्पल ब्राउन। अब देखिए मैं इसको रन करा तो ग्रीन हमने यूज़ किया बैकग्राउंड, ये पूरी रो कवर हो रही है, ओके। मार्केटिंग के अंदर भी पूरी रो कवर हो रही है, बट स्पैन टैग के अंदर क्या हो रहा है कि जहाँ तक टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, ओके। देखिए डिजिटल यानी डिवीज़न टैग के अंदर ले आया, डिवीज़न टैग जो है ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक पूरी रो कवर करता है, ओके। और स्पैन टैग जो है सिंगल लाइनर टैग है, ये एक लाइन में चलता है, ओके। तो आप डिवीज़न टैग के अंदर स्पैन टैग यूज़ कर सकते हैं, बट स्पैन टैग के अंदर डिवीज़न टैग यूज़ नहीं कर सकते। फीडबैक फॉर्म, सर्च बॉक्स, इंक्वायरी फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, सब्सक्रिप्शन फॉर्म, ये सारे फॉर्म टैग के अंदर ही बनता है। तो आइए देखते हैं फॉर्म। फॉर्म के अंदर हम लेबल लेते हैं, लेबल के अंदर नेम, इनपुट टाइप, उसके बाद इनपुट टाइप में हम टाइप लेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लेंगे प्लेस होल्डर, इंटर योर नेम, और इसको हम रन कराएं तो ये आपका फॉर्म दिखेगा, ये फॉर्म है। दूसरा फिर से हम लेबल लेंगे, इसमें टाइप ईमेल लेते हैं, और प्लेस होल्डर आपको इंटर योर, तो जो प्लेस होल्डर में आप लिखेंगे वो यहाँ आपको शो होगा। अब मैं इसको नीचे लाइन में करता हूँ, नीचे लाइन के लिए मैंने आपको HTML में बताया था BR टैग लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं, तो एक BR में एक BR और हम ले लेते हैं, ओके। उसके बाद देखते हैं लेबल मोबाइल नंबर इनपुट। अच्छा, मोबाइल नंबर के लिए इनपुट आप टेल भी लिख सकते हैं या नंबर भी लिख सकते हैं, तो मैं टेल ही लिख, और प्लेस होल्डर में हम इंटर योर मोबाइल नंबर। और ये जो मैं फिर से हम BR टैग यूज़ करते हैं यहाँ पे, अब हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, DOB, इनपुट टाइप डेट, आप सिंपल डेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ड्रॉप डाउन खुलेगा, सारा डेट आप डाल सकते हैं डेट, ओके। नेक्स्ट है हमारा पासवर्ड, ओके। लेवल, जेंडर, रेडियो, इसमें भी हम प्लेस होल्डर नहीं लिखेंगे,
हम इसमें बाहर मेल लिखेंगे, जेंडर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट अभी आपका दोनों सेलेक्ट हो रहा है, ओके। तो अगर दोनों सेलेक्ट हो रहा है तो ये नेम हम सेम रखेंगे, आर वन और इसका भी आर वन, बस दोनों का नेम सेम होना चाहिए। तो अब दोनों में से एक सेलेक्ट होगा। क्वालिफिकेशन और इनपुट टाइप लेंगे हम चेकबॉक्स हैं BA MBA MBA। ये मल्टीपल ऑप्शन है जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है डेटाबेस में वैल्यू के लिए। नेक्स्ट हम फोटो कैसे अपलोड करेंगे, इनपुट टाइप में फाइल शीटी। अब हमें ड्रॉप डाउन एक फंक्शन है वो लेना है, लेबल में हम ले लेते हैं सिटी और इनपुट टाइप फरीदाबाद नोएडा ऑप्शन, तो ये आपका ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है हम सबमिट बटन यूज़ करते हैं, बटन टैग के लिए बटन यूज़ करते हैं सबमिट बटन। इसमें टाइप सबमिट लिखेंगे, एक रीसेट बटन UL OL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और UOL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखिए हम UL लेते हैं, UL के अंदर LI का मतलब हो गया लिस्ट आइटम। हम इसमें HTML लेते हैं, CSS, Bootstrap, फिर LI के अंदर हम JavaScript, jQuery, ओके, और लास्ट हम PHP। तो इसको आप दिखाएंगे तो ये लिस्ट आइटम रहेगा, ओके। अब ये देखिए मैं अगर इसको बड़ा करूं तो ये आपको बुलेट दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप टाइप चेंज करते हैं, आपने सर्कल कर दिया तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको सर्कल दिखेगा बुलेट पॉइंट की जगह। अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो आपको स्क्वायर दिखेगा। ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसमें देखिए अभी हमारा अब ये न्यूमेरिक नंबर से बाय डिफ़ॉल्ट आएगा 1, 2, 3, 4, ओके। अब इसमें अगर आप टाइप चेंज करते हैं, सपोज़ आपने अल्फ़ाबेटिक ए डाला तो ये अल्फ़ाबेटिक में आ जाएगा, और अगर कैप्स ए डाला तो ये आपका कैप्स ए में सीरियल वाइज में आ जाएगा, और अपने आई डाला तो ये रोमन नंबर आ जाएगा, ओके। इसमें एक चीज़ और है कि स्टार्ट, अपने स्टार्ट कर दिया 10 से तो ये 10 नंबर से आपका स्टार्ट होगा, 10, 11, 12, 13, 14। और आप अगर इसको रिवर्स्ड करते हैं तो ये रिवर्स्ड में होगा, ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड। ये एंकर टैग और इमेज टैग लेते हैं। एंकर टैग क्या होता है, लिंक लगाने के लिए, जिसको हाइपर लिंक भी बोलते हैं HREF। और इस पर मैं किसी वेबसाइट का लिंक डालूंगा जहाँ से हम क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने इनसाइडर अकेडमी ले लिया और इसके वेबसाइट का URL मैं होम पेज का सिर्फ URL दे देता हूँ। अब इसको रन कराएंगे आप तो ये देखिए लिंक बन गया। ये एंकर टैग किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए या किसी पेज को ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो ये इनसाइडर अकेडमी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ये आपका एंकर टैग, इसको एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए हम यूज। दूसरा एक इमेज टैग यूज़ करते हैं, IMG इमेज टैग। इमेज टैग हम सोर्स देंगे, इमेज कहाँ पे है, तो HTML के नाम से एक JPG इमेज है, वो इमेज हम यहाँ शो कराएंगे HTML.JPG। और फ्रंट ऑल टैग डालेंगे, ऑल टैग डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं इस इमेज को रीडेबल बनाने के लिए, इनसाइडर अकेडमी। और इस इमेज को आप हाइट विड्थ भी दे सकते, मैंने इसको विड्थ दे दिया 200 पिक्सल और हाइट 200। अब ये स्क्वायर के शेप में हो जाएगा और इसमें हम टाइटल भी दे सकते हैं इनसाइडर एकेडमी। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये इमेज देखिए छोटी हो गई और ये इमेज स्ट्रेच भी हो गया है क्योंकि हमने स्क्वायर शेप में कर दिया जबकि स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे देखिए जब कर्सर रखते हैं तो ये टाइटल आ रहा है इनसाइडर एकेडमी, वो ये टाइटल है जो मैंने टाइटल दिया, ओके। अब मैं इस इमेज को इस लिंक के अंदर पेस्ट करके इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा यहाँ नीचे लिख के ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसके एवज में यहाँ पर हम इमेज लगाते हैं। इस इमेज पर भी हम लिंक लगा सकते हैं। अगर मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया
और यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा देता हूँ, बी आर टैग। अब देखिए अब इस इमेज पे भी लिंक बन रहा है। ओके, इस इमेज पे देखिए कोई हैंड नहीं बन रहा है, यानी ये क्लिकेबल नहीं है, लेकिन नीचे वाले इमेज पे देखिए ये हाथ बन रहा है आपका, हैंड का निशान। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इनसाइडर एकेडमी का वेबसाइट ओपन होगा। तो ये आपका इमेज टैग और एंकर टैग है फ्रेंड। HTML4 और HTML5, देखिए HTML5 जो है लेटेस्ट वर्जन है और अपडेटेड वर्जन है। ओके, HTML5 से अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो वह वेबसाइट आपकी जल्दी रैंक करता है। अगर यही चीज़ें आप HTML4 से करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन जो HTML5 के ओरिजिनल टैग है वो SEO फ्रेंडली है, वो लेटेस्ट ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। तो ये आपका HTML5 है, और आइए प्रैक्टिकली देखते हैं HTML5 में होता क्या क्या है। एड्रेस टैग है, एड्रेस टैग B76 नोएडा सेक्टर 2। अगर इसको मैं रन कराऊं तो इसमें आपको एड्रेस दिखेगा। ए साइड टैग, मेन टैग। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये मेन टैग हो गया। मेन टैग के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ ये आपका मेन टैग है। अगर हेडर की बात करें तो जैसे मेन्यू हो गया, ये आपका हेडर है। और फुटर की बात करें तो जो कॉपीराइट का सेक्शन है नीचे में, जो आपका ये सारा आ रहा, ये फुटर हो गया। और एसाइड की बात करें तो एसाइड आपका जो साइड में आ रहा, जैसे ये टैग योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल, ये सारे आपके एसाइड के पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेविगेशन टैग। नेविगेशन, या इसको मेन्यू भी बोल सकते हैं, तो ये आपका मेन्यू बार या नेविगेशन टैग इसको बोल सकते हैं। प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार हम कोई रिपोर्ट शो कराने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई डेटा शो कराना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हमने 100 कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू 100, वैल्यू 50 कर दिया, और मैक्सिमम वैल्यू 100 और 50%, तो ये प्रोग्रेस बार आ रहा 50% का। नेक्स्ट है आपका सेक्शन का टैग। सेक्शन, अगर जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने लेआउट को सेक्शन वाइज डिवाइस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसके ये मेन्यू का सेक्शन हो गया, ये कंटेंट का सेक्शन हो गया, ये फुटर का, इसको आप सेक्शन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। और ऑडियो की बात करें, ऑडियो टैग HTML5, तो मैं एक ऑडियो ले लेता हूँ और सोर्स देंगे, यानी सोर्स। ओके, ये ऑडियो मेरी फाइल में ऑलरेडी सेव है, तो विंड नाम का एक MP3 है, MP3। और इसमें टाइप की बात करें, टाइप इक्वल्स टू ऑडियो /MP3, इनका फॉर्मेट देना पड़ेगा। और अब इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका ऑडियो का आइकन नहीं आ रहा है, कंट्रोल्स। और इसमें मैं BR टैग लगा देता हूँ ताकि ये ऊपर दिखे। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑडियो का टुके, इसको आप प्ले बटन बनाएंगे तो ये प्ले भी होगा। और दूसरा है आपका वीडियो टैग, जहाँ से आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं। ये वो वीडियो हैं जो आपके वेबसाइट के सर्वर में डले हुए हैं। ओके, और आप यूट्यूब के भी वीडियो लगा सकते हैं, बट वो आई फ्रेम के थ्रू। तो इसमें हम सोर्स लेंगे वीडियो के लिए, और वीडियो मेरे पास पड़ी है subtle.mp4, और इसमें भी हम टाइप लेंगे, टाइप इक्वल्स टू वीडियो /mp4, और यहाँ भी कंट्रोल्स आएगा। कंट्रोल्स करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए वीडियो का प्ले बटन आ गया। HTML5 टैग। वीडियो में केवल इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।